बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का कार्य 12 सुंदर साथ ने किया, किस तरह से वेशभूषा बदल करके वे औरंगजेब के दरबार में गए, उनके साथ कैसे यातना दी गई और उसके बाद किस तरह से उन्होंने काजी शेख इस्लाम और उनके भाइयों से बात की, कैसे सनंद का गायन सुनाया, कैसे कत्ते पक्ष के विषय में चर्चा हुई। अब आगे आज का प्रसंग वह है जिसमें श्री जी को जब यह पता चला कि मैंने जिन सुंदर साथ को अपना संदेश वाहक बनाकर वास्तविक धर्म का संदेश देने के लिए भेजा था, उन सुंदर साथ को इन जाहिरी शरीयती मुसलमानों ने यातना दी है और उन सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्री जी ने एक पत्र लिखा। पहले तो जब श्री जी को ये पता चला कि उन सुंदर साथ को यातना दी गई, श्री जी बहुत रुष्ट हुए और इस बात को लेकर के क्रोधित हुए कि कल ही हमने एक चौपाई सुनी थी कि जो ब्रह्म सृष्टि हैं उनके पास सांसारिक बल नहीं होता है। क्या कहा है? मोमिन बल धनीय का दुनी तरफ से ना है। अब सांसारिक जो शरीयती मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और जो केवल शांति का, धर्म का संदेश देने आए थे, ऐसे सुंदर साथ को यातना दी। तो श्री जी के मुख से अनायास ही ये शब्द निकल पड़े कि जिन मुसलमानों ने मेरे द्वारा भेजे गए मोमिनों को यातना दी है, अब उनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, ये जब की घटना है। उसके बाद औरंगजेब अपने दरबार में जब जाता है, उसके सिंहासन का नाम था तख्ते ताऊस। उस सिंहासन पर बैठने के लिए वो जैसे ही जाता है, उसको लगता है कि उस सिंहासन पर कोई शेर पहले से ही बैठा हुआ है, वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं होती है। फिर सोचता है कि ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन उसकी आंखों को तो प्रत्यक्ष शेर दिखाई पड़ रहा है, तो वो बैठता नहीं है, सिंहासन से दूर ही खड़ा रहता। उसके दरबारी कहते हैं कि बादशाह क्या हुआ है, आप बैठ क्यों नहीं रहे? तो औरंगजेब कहता है कि मुझे तख्ते ताऊस पर शेर दिखाई पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा कि बादशाह ये आपका भ्रम है। उसको भी लगा कि भ्रम ही होगा। बैठने के लिए जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचा, बैठ भी गया दरबारियों के दबाव में, पर उसको लगा कि सच में इस सिंहासन पे शेर बैठा हुआ है और उसको शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई पड़ी और वो डर के सिंहासन से जैसे ही कूदा, वह सिंहासन से गिर गया। उसके बाद उसको इतना डर बैठ गया कि फिर कभी भी वो सिंहासन पे नहीं बैठा। और साथ ही साथ तभी से ऐसी घटना होने लगी कि पंजाब में उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नेतृत्व में वीर बहादुर बंदा बैरागी महाराष्ट्र की तरफ, छत्रपति शिवाजी महाराज, बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल जी, इस तरह से अनेक स्थानों में जितने हिंदू राजा थे उन्होंने औरंगजेब की सेना का या औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसको शांति नसीब नहीं हुई और उसका पूरा जीवन अलग अलग जगहों पे हो रहे विद्रोह का दमन करने में ही गुजर गया। उसका अंतिम समय भी, उसके आखिरी लगभग 20 साल के आसपास दिल्ली से बाहर कटते हैं। दिल्ली में वह आ भी नहीं पाता है और उसकी जो आखिरी सांस थी वह भी दक्षिण में ही छूटती है। तो यहाँ से जब से उसने सुंदर साथ को यातना पहुँचाई तब से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है और बहादुर शाह जफर तक आते आते तो केवल दिल्ली के किले तक, लाल किले तक ही सीमित रह जाते हैं। और उधर अब ये तो औरंगजेब के साथ हुआ, उसको तो कर्म का फल मिला, कर्म का दंड मिला, लेकिन जो सुंदर साथ गए थे औरंगजेब के दरबार में उनको भी सांत्वना देना आवश्यक था। इसीलिए श्री जी ने उन सब सुंदर साथ के नाम पर एक पत्र लिखा। उस पत्र को हम बड़ी पत्री के नाम से जानते हैं। और जैसे कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिख रहे होते हैं, किसी को भेजना है, फिर अचानक से कोई बात याद आ जाए तो हम छोटे से कागज़ में फिर से लिख करके उसके साथ चिपका करके, पिन करके, स्टेपल करके किसी तरह से भेज देते हैं ना, उसको पुर्जी या पर्ची कहा जाता है। तो यहाँ बड़ी पत्री के बाद भी एक प्रसंग आता है, छोटी पत्री वाही में पुर्जी। तो यहाँ दो पत्रियों का प्रसंग है, एक बड़ी पत्री और एक छोटी पत्री। इन दोनों पत्रियों में बातें तो वैसे श्री जी के तरफ की भी है, सुंदर साथ के तरफ की भी है। कुछ चौपाइयों में सुंदर साथ का भाव बताया है, कुछ चौपाइयों में श्री जी की बात बताई गई है, पर कुल मिलाकर के मूल बात, मूल भाव दोनों पत्रियों का ये है कि जागनी के रास्ते में चलने पर कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है। वे बाधाएं कैसे कैसे आ सकती हैं और उन बाधाओं को कैसे समाधान किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जागनी तीव्र गति से हो, तो ये सारी बात इन पत्रियों में बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं बड़ी पत्री की चौपाई से। कहते हैं, अब कहूँ मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत। अब श्री लालदास जी उस प्रसंग को वर्णित कर रहे हैं जिसमें शरीयत के साथ, जो केवल शरीयत अथवा कर्मकांड को ही अपनाए हुए थे, ऐसे शरीयती मुसलमानों के साथ जो धर्मयुद्ध हुआ उसकी मैं बात बताने जा रहा हूँ, जिस धर्मयुद्ध में उन सुंदर साथ को यातना दी गई। और जब यातना दी गई, श्री जी को ये पता चला तो क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि तब पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन। सुंदर साथ के अंदर विघटन का भाव ना हो, सुंदर साथ का संगठन बना रहे, एकजुटता बनी रहे, इसलिए श्री जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में हर प्रकार का सिखापन, हर प्रकार की शिक्षा लिख करके भेजा। कहते हैं, ए पाती दिल्ली मैंने थे कैद में हम, 30 वक्त ले आइया कांजी बदल हुक्म। जिस समय श्री लालदास जी कह रहे हैं कि मैं और दूसरे सुंदर साथ नज़रबंद में थे काजी शेख इस्लाम के घर पे, उस समय श्री जी ने ये पत्र भेजा और इसको लाने की शोभा कानजी भाई और शेख बदल, जिनको श्री जी ने हुक्म की शोभा दी थी, उनकी रही। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि शेख बदल तो उन 12 सुंदर साथ में शामिल हैं जो नज़रबंद में हैं, वो पत्र लाने की सेवा कैसे कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि जैसे 12 लोग कैद में हो तो उनमें से किसी एक को कारणवश छोड़ा जा सकता है। जैसे आजकल बेल मिलती है ना, किसी को कुछ शर्त रख करके पासपोर्ट या फिर नागरिकता या आधार कार्ड वगैरह जमा करके, इसी तरह से शेख बदल जी को भी शायद जमानत पर कभी कभी आने जाने की छुट्टी मिलती हो, क्योंकि इतना तो पता चल गया होगा औरंगजेब को कि 12 में से 11 मेरे पास है तो एक व्यक्ति भाग के कहाँ ही चला जाएगा, इसलिए शेख बदल जी को आने जाने की स्वीकृति थी। तो शेख बदल और कांजी भाई ये पत्र लेके आए थे श्री जी के पास से। वो पत्र क्यों लिखा श्री जी ने, कहते हैं लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह, तब दिलासा सैयन को पाती लिखिए। शरीयत के विरुद्ध जो युद्ध हुआ उसमें हमारी जो जीत हुई, फतेह मतलब जीत जो हुई, वो पूरी नहीं हुई, अधूरी जीत हुई। अधूरी जीत किस लिए, देखिए दरबार तक तो गए, अपना संदेश भी सुनाया, लेकिन ये आधी जीत इसीलिए हुई क्योंकि दरबार तक जाने के लिए सुंदर साथ को हिंदू वेशभूषा छोड़कर मुस्लिम फकीरों की वेशभूषा धारण करके जाना पड़ा था। इसलिए सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्री जी ने ये पत्र लिखा और उस पत्र में श्री जी ने स्वयं अपने हाथ से हस्ताक्षर किया, दस्तखत अथवा सिग्नेचर किया और उस पत्र के भाव को श्री लालदास जी यहाँ चौपाई के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब पत्र लिखा जाता है, पत्र चौपाइयों में थोड़ी लिखी जाती है, पत्र लिखने की शैली तो अलग होती है, गद्यात्मक होती है और चौपाई पद्य में आती है। तो जो पत्र लिखा गया था उन भावों को श्री लालदास जी चौपाई के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। अब पत्र प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें श्री जी क्या लिख रहे हैं, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार। श्री जी सुंदर साथ को क्या लिख रहे हैं, मेरे प्राण के प्रीतम। हम राज्य को क्या कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं ना, लेकिन यहाँ राज्य भी ब्रह्म सृष्टियों को प्राण के प्रीतम कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए परम धाम में जो इश्क रब्द है या हुआ है उसका मूल कारण है इश्क की साहिबी की पहचान कराना। हमने राज्य को क्या कहा कि राज्य हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं, हम आपके आशिक हैं। राज्य ने क्या कहा, मैं तुम्हारा आशिक हूं। आप खिलवत की वाणी देख लीजिए, वहां एक चौपाई आती है खिलवत के मेरे ख्याल से 16वां प्रकरण में कि आशिक मेरा नाम रू अल्लाह आशिक मेरा नाम। सिंगार के अंतिम प्रकरण की पहली चौपाई क्या है, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। दोनों चौपाइयों में राजी अपने आप को आशिक कह रहे हैं। अब यहाँ इस चौपाई में वही राजी मिहिर राज जी के तन में इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान है और ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या कह रहे हैं कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार है। मेरे प्राण के प्रियतम सुंदर साथ, ऐसा क्यों कहा गया, देखिए ये जो आशिक और माशूक का भाव है ना, ये नाम नहीं है, पद नहीं है, ये है अवस्था। जिस समय राजी हमें प्रेम देकर रिझा रहे होते हैं उस समय राजी आशिक होते हैं और ब्रह्म सृष्टि अथवा आत्मा माशूक होती है। और जब ब्रह्म सृष्टि राजी को रिझाती है तो उस समय वह आशिक होती है, राजी मासूक होते हैं। यहाँ जो 12 सुंदर साथ हैं वे राजी को रिझा रही हैं और राजी को कैसे रिझा रही हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करके, सर्वस्व समर्पित करके। इसीलिए यहाँ ब्रह्म सृष्टि राजी के आशिक हैं। फिर आगे कहते हैं आत्म के आधार हो। केवल हम ही राज्य को प्राण आधार, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ नहीं कहते, राज्य भी ब्रह्म सृष्टियों को प्राण के प्रीतम कह रहे हैं। कलश की वाणी देख लीजिए आप क्या कहते हैं, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। तो राज्य भी ब्रह्म सृष्टि को प्राण के आधार, प्राण प्रियतमा कहते हैं। अब फर्क क्या है, हम जो राज्य को प्राणानाथ कहते हैं या प्राणाधार कहते हैं वो हमारे गले तक या शब्द तक सीमित है। हमने राज्य के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे लगे कि राज्य हमारे प्राण के आधार है। प्राण के आधार का तात्पर्य क्या होता है, हमारे जीवन में इस शरीर को चलाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता किसकी होती है, किसकी, प्राण की, है ना। प्राणवायु बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। देखिए मनुष्य खाना खाए बिना कम से कम 20 दिन के आसपास जी सकता है, केवल पानी मिल जाए तब भी, ठीक है। और बिना पानी के भी 2-3 दिन वो जीवित रह सकता है, तड़पेगा, परेशानी होगी, समस्या होगी, लेकिन जीवित रह सकता है। लेकिन बिना श्वास के, बिना प्राणवायु के 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। आपने सांस पूरी तरह से भर लिया अपने फेफड़े में, कितनी देर तक काम करेगा। और कोरोना ने तो दिखा दिया है सबको ऑक्सीजन की कीमत क्या है। उस ऑक्सीजन को प्राणवायु, प्राणवायु कहते हैं। और हम राज्य को कहते हैं प्राण आधार या प्राणनाथ। इसका मतलब यह है कि जितनी आवश्यकता, जितनी तड़प हमें सांस लेने के लिए होती है, उतनी ही तड़प राज्य से अलग होने पर भी होना चाहिए। यही तो साबित होता है ना, शब्दों से तो यही साबित होता है, हमारी रहनी से भले ही ये साबित ना हो। जैसे कलशवाणी में इसको एक बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाया है। उस चौपाई में आने से पहले मैं आपको एक दृष्टांत से बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति किसी साधु के पास गया और जाकर के कहता है कि महात्मा जी, मुझे परमात्मा पाने का उपाय बता दीजिए। उन साधु ने कहा कि कल सुबह आना, नहाने से पहले मैं आपको बता दूंगा। वो व्यक्ति आया बिना नहाए। साधु नहाने के लिए तालाब में जाने वाले थे, तो उन्होंने उस आदमी को भी कहा चलो नहाने साथ में। तालाब में लेके गए, थोड़ी गहराई तक पहुँचे और हाथ जोड़ा, फिर नदी में उस तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद अब वो इंसान भी डुबकी लगाया जो दूसरा था। साधु तुरंत खड़े हो गए और उसके सिर पे यहाँ ऊपर से पकड़ करके उसको पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर तक डुबोए रखा। अब साधु को लगा कि अब मैं 2 सेकंड भी अंदर छोड़ दिया ना तो ये पानी गटक जाएगा, ये मर जाएगा। तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। अब सांस लेने के लिए उसको इतनी तड़प थी, बाहर आके पहले तो गहरी गहरी सांस लिया, घबराया हुआ था। फिर उसने साधु महात्मा जी को डांटते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ तरीका पूछा था कि परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, आप तो सीधे भेज रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि देखो, जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें किस किस की याद आ रही थी। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितनी जायदाद है, उसकी याद आई? बोले नहीं। तुम्हारे लिए जब तुम पानी के अंदर थे सबसे अधिक कीमती क्या था? तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी धन संपत्ति? बोले नहीं, मुझे केवल और केवल यही दिख रहा था कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं और कब मैं सांस ले लूं। महात्मा जी ने कहा यही तरीका है। जितनी तड़प तुम्हें पानी के अंदर रहते हुए सांस लेने के लिए हो रही थी, उतनी ही तड़प जिस दिन परमात्मा के लिए आ जाएगी, उस दिन तुम उसी क्षण परमात्मा को पाओगे। वो अवस्था आएगी तब, और उस अवस्था के आने के विषय में ही वाणी कहती है, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक। अब ये जो तड़प वाली बात है, इसी को कलश वाणी में थोड़े से अलग, इससे उलट दृष्टांत से बताया है। कैसे? जैसे अभी हमने दृष्टांत दिया मनुष्य का जो तालाब के अंदर है, कलश में मछली का दृष्टांत दिया है जो तालाब से बाहर है, पर दोनों के लिए घटना लगभग एक जैसी है। इंसान पानी के अंदर डूब के सांस के लिए तड़पता है, मछली पानी से बाहर होती है तब वो सांस के लिए तड़पती है, क्योंकि दोनों का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग है। इंसान सांस लेता है नाक से, फंक्शन करता है लंग्स से। मछली है, उसके गिल्स होते हैं, इंसान का फेफड़ा होता है, बस इतना फर्क है, वरना प्रोसेस वैसा ही है। तड़प की जो बात की जा रही वो ऐसे ही है। तो वाणी ने कहा, विरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछरी होए, ज्यों मीन बिछुरी जल थे यागत जाने सोई। मीन कहते हैं मछली को। जो मछली पानी से बिछुड़ गई है, अलग हो गई है, उसकी जैसी तड़प होती है, वैसी तड़प ही किसी विरहनी में होती है। अब मैंने प्रश्न पूछा था कि हम राज्य को प्राणनाथ कहते हैं, तो क्या हमारे अंदर उतनी तड़प है जितनी प्राण के लिए होती है? प्राण तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है हमारे जीवन में। अगर हम प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं कि हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बनाएंगे तो राज्य 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर मिलेंगे। हम सब की प्रायोरिटी में किसी की प्रायोरिटी होगी पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करना है, किसी की प्रायोरिटी होगी कि जो बिजनेस है अच्छे से बिजनेस करना है, किसी की प्रायोरिटी होगी जीवन में, मान लीजिए कि कोई प्रेम प्रसंग चल रहा होगा तो किसी के दिमाग में चलेगा कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएं, किसी की प्रायोरिटी में होगा कि शादी हो जाए मेरी, किसी की प्रायोरिटी में होगा बच्चे हो जाएं, किसी की प्रायोरिटी में होगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ने लग जाएं, पढ़ लिख करके बड़े हो जाएं। आप लिस्ट बनाते बनाते एक पन्ना यदि भर जाएगा तो उस पन्ने में, जहाँ तक मुझे लगता है, अधिकांश लोगों की लिस्ट में राज्य सबसे आखिरी नंबर पर होंगे। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि राज्य हमारे प्राण के आधार हैं? पर राज्य के लिए ब्रह्म सृष्टि प्राण के आधार हैं। हम राज्य के बिना जीवित रह रहे हैं। देखिए, हमारी अवस्था मछली जैसी नहीं है, मछली पानी बिना नहीं रह सकती। हमारी अवस्था तो मेढक जैसी है ना? मेढक को पानी में डाल दो तब भी वो खुश है, पानी के बाहर निकाल दो तब भी वो खुश है। हमें है कि चलो माया भी मिल रही है, उसका भी आनंद ले रहे हैं, और अगर बिना परिश्रम की राज्य मिल जाए तो वो भी ठीक है। परिश्रम हम माया के लिए तो कर लेते हैं, पर राज्य के लिए नहीं करते। अब मैंने जैसे पहले ही कहा कि राज्य हमारे लिए जो कर रहे हैं हम राज्य के लिए नहीं कर सकते। राज्य ने कहा, रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब मैं ये चौपाई के विषय में सोचता हूं ना, तो मुझे राज्य पे हंसी आती है। कैसे? राज्य ने कहा, रह ना सकूं मैं रूह बिना। ये बात सही है कि गलत है? जवाब दीजिए। रह ना सकूं मैं रूह बिना सही है कि गलत है? सही है ना? तभी तो परम धाम से हमसे पहले राज्य हमारे लिए आया। क्या कहते हैं? सो हमको खेल देखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज। तो राज्य हमसे पहले आए कि नहीं? ठीक है। अब जो दूसरा चरण है, इस पे मुझे राज्य के लिए हंसी आती है। खैर, हंसी वाली तो बात नहीं है, पर चौपाई में राज्य इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि रूह है रह ना सके मुझ बिन। राज्य को पता ही नहीं है जैसे कि हम रह लेते हैं। हम कह रहे राज्य हम रह रहे, आप भ्रम में हो। ये गलतफहमी मत पालो कि हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम आपके बिना रह रहे हैं और मस्ती से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि रहना पड़ रहा है, हम रह रहे हैं और हम रहना चाह रहे हैं। केवल शब्दों में हमारे है कि पिया जी धनी जी खेल को बस करो, ये केवल हमारे शब्दों में है, हमारे हृदय में नहीं है। इसलिए वैसे तो खिलवत की वाणी में एक प्रसंग आता है, उसमें कहा है कि कोई बात खुदा से न हो वहीं ऐसो न कहियो कोय, पर एक बात ऐसी बकामिनी जो हक से भी न होए। राज्य को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहा जाता है, पर हमारी हालत देख करके तो मुझे लगता है कि राज्य को ये पता नहीं है कि रूहें रह सके मुझ बिन, है ना, हम रह पा रहे हैं। तो ये जो चौपाई का भाव है ना, मेरे प्राण के प्रीतम, इस एक चरण में बहुत ही गहरा भाव छिपा हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर भी वही वाली तड़प होगी, जिस दिन हम सच में राज्य को ये कह सकते हैं कि राज्य आप हमारे प्राण के प्रीतम है, प्राण के आधार है, तो समझ लीजिए कि हमारी जागनी हो गई। पर वो भाव हमारे अंदर नहीं आ पाता, पर राज्य तो कह पा रहे हैं ना। उन्होंने, अच्छा मैंने सवाल पूछा था कि हमने राज्य के लिए ऐसा क्या कर दिया कि हम कहते हैं कि राज्य हमारे प्राण के प्रीतम है। मनुष्य प्राणवायु के लिए तो कुछ भी करता है। अभी मैंने कोविड का उदाहरण दिया, जब कोरोना का समय था, एक रेमडेसिवियर का जो इंजेक्शन आता था, जो सामान्य दिनों में, कोरोना से आई थिंक 4 महीने पहले की घटना है ये, मैं गुजरात के किसी हॉस्पिटल में गया हुआ था और वहाँ पर रेमडेसिवियर का जो इंजेक्शन है वो मेरे ख्याल से 900 रुपये से 1200 रुपये के बीच में पड़ रहा था, और वहीं कोरोना के समय में 3000, 5000, 12,000 तक की उसकी कीमत पहुँची थी। ठीक है, तो इंसान प्राणवायु के लिए इतना कर देता है। ऑक्सीजन की बोतल के लिए ब्लैक में ऑक्सीजन की बोतल की मारामारी हो रही थी, तो ये इस ऑक्सीजन के लिए तो इतना कर लेता है, हम उस प्राणवायु के लिए जो हमारी आत्मा का ऑक्सीजन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अब सवाल होगा कि राज्य ने क्या किया हमारे लिए, केवल आना पर्याप्त थोड़ी है, ये सवाल हो सकता है। सबसे पहले राज्य ब्रज में आए, ब्रज में उन्होंने हमारे साथ वह लीला की कि आज भी ब्रज की चरण रेणु को पाने के लिए त्रिदेव भी लालायित रहते हैं। ब्रज में उन्होंने हमारी इस तरह से रक्षा की, चाहे पूतना से, अगासुर, बकासुर से, जितने भी राक्षस हैं सबसे हमारी रक्षा की। रास में हमें ले जा करके वह आनंद दिया जिस आनंद की सुध त्रिदेवों को भी नहीं है। इस जागनी के ब्रह्मांड में आए तो हमारी, हम सुंदर साथ की जागनी के लिए यहाँ एक सकुमार की जागनी, वो भी तो हम में से ही एक है ना, एक सकुमार की जागनी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ की जागने के लिए पैदल पैदल घूम रहे हैं। कभी बिहारी जी के द्वारा चुगली किए जाने पर पैदल यात्रा करनी पड़ती है रेतीली जमीन पे रेगिस्तान में, तपती दोपहरी में। मंदसौर में पहुंचते हैं तो 8-8 महीने की भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो उन्होंने वह सब कुछ किया जो एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए करता है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमको दिखाने के लिए, हमको समझाने के लिए सही, जो तन धारण किया उस तन ने सर्वाधिक तप किया, सर्वाधिक त्याग किया। इसीलिए वो हमें कह पा रहा है कि मैं तुम्हारा आशिक हूं और तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो। और वहां, यहाँ ये जो चौपाई कही जा रही है ये विशेष रूप से उन सुंदर साथ के लिए है जिनमें वास्तव में यह काबिलियत, वह योग्यता थी कि वो कह पाते कि हम आपके प्राण आधार हैं, हम आपके आशिक हैं। ऐसे सुंदर साथ के लिए जिन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, कुर्बानी दी, औरंगजेब के दरबार में गए, मृत्यु को चुनौती देते हुए जागने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, ऐसे सुंदर साथ के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। और श्री जी कहते हैं, मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, कि हे मेरे प्रेम में डूबे हुए सुंदर साथ जी, मेरे साँचे सूरधीर, आप सच्चे मायने में सूरवीर हो, धैर्यशाली हो। धैर्यशाली इसलिए क्योंकि आपने विकट परिस्थिति में भी अपने आप को संभाले रखा, तो आप सच्चे धैर्यशाली हैं, वीर हैं। पाँव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के तीर। सुंदर साथ जी, आप प्रियतम अक्षरातीत के तीर अर्थात बिल्कुल निकट बैठे हैं और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं कहते हैं पांव भर दिखावत रूहों को, आगे आने वाली ब्रह्म सृष्टियों को, सुंदर साथ को आप उस रास्ते पर चल करके दिखा रहे हैं, समर्पण कुर्बानी बलिदान के रास्ते पर चल कर दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कीर्तन का गायन सुना आदित्य जी के मुखारविंद से, जिसमें क्या कहा गया था कि साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, वार डारू नख सिखलो ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। अब यहाँ चौपाई में दो शब्द प्रमुख है, एक कुर्बानी दूसरा मोमिन। जो जाहिरी मुसलमान है अपने आप को मोमिन समझते हैं और कुर्बानी किसको कहते हैं? रमजान के महीने के बाद जो पवित्र एक ईद का दिन आता है, ईद का तात्पर्य होता है खुशी। अब वहाँ कुर्बानी की बात की जाती है तो कुर्बानी किसकी? ये कुर्बानी का तात्पर्य सोचते हैं किसी जानवर की बलि दे देना, उसको काट देना, और यही प्रथा हिंदुओं में भी है। वास्तव में किसी जानवर की बलि देना कुर्बानी नहीं है। यहाँ कुर्बानी किसका प्रतीक है? वैसे बकरीद कहा जाता है, ईद मतलब खुशी है। यहाँ जो बकरी की बात की जाती है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये अहंकार का प्रतीक है। किसी साधु ने क्या कहा, बकरी जो मैं करे गले छुरी फिरवाए, मैं ना तो मैं ना कहे सबके मन को भाए। जो बकरी है वो बार बार मैं कहा करती है। यहाँ इंसान को किसकी कुर्बानी देने के लिए कहा है? अपनी मैं खुदी, अपने अहंकार की कुर्बानी। क्योंकि कुर्बानी किसकी दी जाती है? जो सबसे अधिक प्रिय हो उसी का त्याग ही तो कुर्बानी है ना। और हमें सबसे प्रिय कौन होता है? कोई दूसरा हमें प्रिय नहीं होता है, हमें सबसे प्रिय होता है स्वयं का अहंकार। यह अहंकार मतलब घमंड से नहीं है, अर्थात हम खुद को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। चाहे कोई कितना भी कह ले कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करता हूँ या खुद से ज्यादा तुम्हें प्रेम करता हूँ, ऐसा होता नहीं है। ये केवल शब्द है, वास्तविकता ये है कि इंसान सबसे अधिक प्रेम स्वयं से करता है। तो स्वयं की कुर्बानी देना, स्वयं के अहंकार की कुर्बानी देना, ये वास्तव में बलिदान है। और यहाँ जिन सुंदर साथ ने स्वयं को समर्पित किया, शरीर भाव को छोड़ा, आत्म भाव को पकड़ा, ऐसे सुंदर साथ की कुर्बानी की बात हो रही है। क्योंकि जब जिसने अहंकार का त्याग किया तो परिस्थिति कैसी आती है? कह रहे हैं जिन लज्जा वैराट बांधिया, तीन लज्जा दिया सिरभान। कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये जो लोक लाज मर्यादा का बंधन है, इसने पूरे वैराट को, 14 लोग को बांध रखा है। हम सुंदर साथ भी कुर्बानी इसीलिए नहीं कर पाते अथवा समर्पण इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं लोकलाज मर्यादा का भाव है। मैं कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कैसे पता चले कि हम कुर्बानी की राह पर हैं। यदि हम वाणी मंथन करते हैं, यदि हम सेवा करते हैं, चितवनी करते हैं और उसके लिए अपना समय निकालते हैं तो ये कुर्बानी की लाइन में आएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे सेवा की बात की जाती है। अब सेवा विभिन्न प्रकार की होती है, इसमें चलिए शारीरिक सेवा से बात करते हैं। शारीरिक सेवा में क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए आप किसी आवश्यक स्थान पर गए जहाँ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई प्रचार प्रसार का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ मान लीजिए कि झाड़ू पोछा लगाने की भी सेवा हो सकती है, टॉयलेट बाथरूम सफाई की भी सेवा हो सकती है, भोजन बनाने की, बांटने की, बहुत कई प्रकार की सेवा हो सकती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी प्रेस्टीज के हिसाब से सुइटेबल काम कौन सा है, तो ये समर्पण नहीं है। यदि हमें ये कहा जाए कि सुंदर साथ जी टॉयलेट साफ कर दीजिए और तब भी हमारे अंदर घृणा की भावना नहीं आ रही है और न ही ये भावना आ रही कि अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा या इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, मैं यहाँ मंदिर में आकर के टॉयलेट बाथरूम की सफाई कैसे करूं? यदि ये भावना आ रही है तो अहंकार अभी मरा नहीं है, और यदि ये भावना नहीं आ रही तो अहंकार मर गया है। फिर ये शर्म भी हो सकती है, मान लीजिए कि हम इतने पढ़े लिखे लगते हैं और कोई जिसको जिस काम को छोटा समझा जाता, वैसे तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, पर लोक व्यवहार में समझा जाता है। अब हम यदि कोई काम कर रहे हैं और सोचे कि दूसरे लोग देख लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो समझ लीजिए कि लोक लज्जा के बंधन में अभी हम हैं, और जिसके अंदर ये बंधन है वो त्याग नहीं कर सकता है। श्री जी क्या कह रहे हैं यहाँ कि सुंदर साथ जी, जिस लोकलाज मर्यादा ने सारे संसार को बांध रखा है, आपने उस लोकलाज मर्यादा को छोड़ दिया है, उसका तो आपने सिर ही भान दिया है। सिर भानने का तात्पर्य है कि उसका अस्तित्व समाप्त कर देना। और कहते हैं सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान। आपने सब सुंदर साथ का सिर गर्व से ऊंचा किया, और ऐसा तब हो पाया क्योंकि आपको धामधनी की पहचान हो गई थी, राज्य की पहचान हो गई थी। आज इस घटना को व्यतीत हुए लगभग 344 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद भी प्रतिवर्ष जब हम बीतक पढ़ते हैं, बीतक की चर्चा करते या सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक गौरव का भाव होता है कि हम उन सुंदर साथ की पीढ़ी हैं जिसमें ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे बलिदानी सुंदर साथ हुए हैं। इसलिए कहा कि सब साथ का सिर ऊंचा किया। और कहते हैं आपोपा निसंक डारिया मेरे साथ सब शोभा जोग। श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, आपने अपने आप को, अपने मैं के बंधन को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया, इसलिए आप हर प्रकार की शोभा देने योग्य हैं। आपको हर प्रकार की शोभा दी जा सकती है। देखिए दो बात है, एक है कि किसी की ये आदत होती है या स्वभाव होता है कि काम कुछ करना नहीं है पर शोभा ले लेनी है, क्रेडिट ले लेनी है। और कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो सेवा सारी करते हैं पर नाम नहीं लेना चाहते, जो नाम नहीं लेना चाहते लेकिन सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। राज्य उनको नाम भी दे देते हैं और सेवा का जो दूसरा आत्मिक फल है वो भी दे देते हैं, पर जो केवल नाम के लिए सेवा कर रहा है उसको केवल नाम ही मिलता है, दूसरी चीज़ नहीं मिलती। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको कैसे सेवा करनी है। गीता में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा निष्काम कर्म करने की बात, यहाँ पर भी इसी तरह से कि सुंदर साथ ने अपने आप कभी भी नाम की इच्छा नहीं की थी, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिम्मेदारी की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जिम्मेदारी ये काम हम तब करेंगे जब हमें इसकी पूरी ऑथोरिटी दी जाएगी, पूरा अधिकार दिया जाएगा। देखिए अधिकार दिया नहीं जाता है, अधिकार लिया जाता है, पर ऐसे नहीं छीन झपट के नहीं, अपने कर्तव्य की पूर्ति से अधिकार लिया जाता है। आप समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, समाज अपने आप आपको अपना अधिकार दे देगा। लेकिन आप चाहें कि नहीं नहीं मैं अधिकारी बनूं, समाज में लोग मेरी बात सुने, क्यों सुनेंगे? सबका अपना अपना एक सेल्फ ईगो होता है, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन हाँ, आप उनके भले के लिए कुछ कर रहे हैं तो सुनेंगे। इसलिए हमेशा हमें अधिकार को प्राथमिकता न देकर कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब श्री जी उन सभी सुंदर साथ को प्रबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं साथ समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीम नागजी दोए। सुंदर साथ का नाम ले रहे हैं कि लालदास जी, भीम भाई, नागजी भाई, चिंतामणि जी, दयाराम जी, चंचल, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, खीमाई भाई, शेख बदल, कायम मुल्ला, अनंत राम, रामबाई, श्याम बाई, राम राय, ये सारे सुंदर साथ हैं। उनमें से 12 लोग तो औरंगजेब के दरबार में सीधे गए, चार लोगों ने दिल्ली में बाहर रह करके उन 12 सुंदर साथ की सहायता की। तो कहते हैं तथा साथ समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और केवल उन 12 सुंदर साथ या 16 सुंदर साथ के लिए नहीं, जो भी धर्म की राह पर चल रहा है, जो भी जागने की राह पर चल रहा है और अज्ञानता के साथ युद्ध लड़ रहा है, अर्थात वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है हर कोई सुंदर साथ से, और जो आगे करना चाहता है, अब तक नहीं किया है पर आगे करना चाहता है, ऐसे हर सुंदर साथ के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। क्या करें? तथा साथ समस्त सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय और जो कोई आशा करे एक कह्या तीन से। जो दरबार में गए, जो दरबार में नहीं गए पर बाहर रह करके सेवा कर रहे थे, और जो करना चाहते हैं, हमारे लिए भी है ये। हमें औरंगजेब के दरबार में ही जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, गांव में भी राज्य की बात को पहुंचा रहे हैं, तब भी हमारे लिए राज्य ने ये चिट्ठी लिखी है। प्रशंसा भी कर रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं। कहते हैं कि वे सब श्रीराज के चरण तले रहियो आरोग तुम, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम। कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप श्रीराज जी के चरणों की छत्र छाया में आप हमेशा ही आरोग्य में रहना, आरोग्य अर्थात स्वस्थ रहना, और मैं आप सब सुंदर साथ के आनंद मंगल के लिए पत्र लिख रहा हूँ। आप पर राज्य की दृष्टि हमेशा बनी हुई है, इसलिए आप हमेशा आनंद में रहना। और कहते हैं कि लिखी वे जो मजलें सो साथ सबका मूल, कुरान में जो बात संकेतों में लिखी गई थी, कहते हैं कि उसमें जागनी के विषय में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, जागनी की बहुत सारी मूल बातें उसमें छिपी है। कहते हैं इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, अविधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। अब यहाँ श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मैं आपको करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और लीजो धनी की ओट। इसका भाव क्या है? कि आप हमेशा धाम धनी की मेहर की छत्र छाया में रहना, और जब राज्य की मेहर से एक दिन सब सुंदर साथ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो अलग अलग जगह पर है। श्री जी कामा पहाड़ी में है, कुछ सुंदर साथ अनूप शहर में, कुछ सुंदर साथ दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ सुंदर साथ दिल्ली में ही औरंगजेब के दरबार में। इसलिए श्री जी ने कहा कि जब सब कुछ ठीक होगा, हम सब इकट्ठे होंगे, तो उस समय क्या होगा? तब सुख समाधान आनंद होए धनिये पकड़े हाथ। उस समय हर तरह से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और ये भी अनुभव होगा कि राज्य ने हमारा हाथ हमेशा ही पकड़ा हुआ है, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक चौपाई आती है वाणी में, कहते हैं कि जन्म अंधा अमे जे हता, तेता तमे देखी ता करिया, वासो वछूटो हाथ थी, जमपुरी जाता वली कर गया। कहते हैं राजी को कह रही हैं इंद्रावती जी कि हे धामधनी, हम तो जन्म से ही अंधे थे। अर्जी में भी गाते हैं नाम जन्म अंधी हम जे होती, जो हम जन्म से ही अंधे थे, अर्थात जब से इस कालमाया के ब्रह्मांड में आए हैं हम अंधे हैं। अंधे कैसे? बाहरी आंखें तो हमारी खुली है, पर हमारी आत्मा जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर के खेल को देख रही है, वह जीव इंद्रियों और अंतस्करणों से घिरा हुआ है, इंद्रियों के विषयों से घिरा हुआ है। कैसे? कलश की वाणी कहती है, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तीन लई आत्म को घेर। हमारे अंतस्करण, हमारी इंद्रियां, इन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके क्षणिक जो सुख हैं, इसके आधार पर जीव अंधा हुआ है और हम जिस जीव की आंख से देख रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि हम गांधारी की आंख से देख रहे थे और गांधारी ने अपने आंख में पट्टी बांध ली। पट्टी कौन सी? इन इंद्रियों के विषयों की। राज्य ने क्या किया कि जब से हम कालमाया के ब्रह्मांड में आए तब से हम इस तरह से अंधे हुए थे, पर राज्य ने हमें दृष्टि दे दी। तारतम ज्ञान रूपी दृष्टि दे करके गांधारी की तरह आंख में जो अंधकार की अज्ञानता की पट्टी थी उसको हटा दी। और दूसरा कि हमने राज्य की पीठ को पकड़ा था, वो भी छूट गया माया के प्रवाह में, तो राज्य ने हमारा हाथ ही पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके भवसागर से पार कराया। पर उसके लिए हमने राज्य को अपना हाथ दिया हो तब, इसलिए कहते हैं धनिये पकड़े हाथ। अब आगे कहते हैं तुम्हारे सुख समाधान की पाती को चाह जे। आप सब सुंदर साथ के सुख समाधान के लिए कि आपको जो तकलीफ हुई है, जो यातना हुई है, उस यातना को में सांत्वना देने के लिए हमने ये पत्र लिखा है और शेख बदल जी के हाथ से हम भिजवा रहे हैं। और शेख बदल जी जब आए तो उन्होंने शुरुआत से लेकर के कि आप लोग कैसे गए, क्या क्या प्रयास किया, किस तरह से औरंगजेब के दरबार में दाखिल हुए, कैसे क्या क्या बात हुई, किस तरह से यातना दी गई, सारी बातें मैंने सुन ली है। और ये बात तो पहले से ही कुरान में लिखी हुई है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। कहते हैं कि तैसा ही ए जुद भया और भी होएगा इत लिखे माफक होएगा ए जानो मुकदमा कयामत। कहते हैं जैसा कत्ते पक्ष में लिखा हुआ है कि भविष्य में ऐसा धर्म युद्ध होने वाला है और वैसा धर्मयुद्ध होगा। पर यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि धर्मयुद्ध का मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दंगे होंगे उसकी बात की जा रही, नहीं। धर्मयुद्ध का तात्पर्य धर्म न हिंदू है न मुसलमान है, धर्म तो धर्म है। संप्रदाय मत भिन्न भिन्न हैं जिसको लोगों ने धर्म का नाम दे दिया है। अधर्म मुसलमानों से भी हो सकता है, हो सकता है क्या होता ही है, और अधर्म हिंदुओं में भी हो सकता है। जैसे मुसलमानों में एक दो अच्छाइयाँ हैं, जैसे वे एक परमात्मा की ही बात करते हैं और कुरान पर आस्था रखते हैं। भले ही कट्टरतावादी आस्था हो पर उन्हें कुरान से कोई विचलित नहीं कर सकता है। ये एक सकारात्मक पक्ष है कि उन्होंने उसको सच मान लिया है। और दूसरा एक और सकारात्मक पक्ष उनका कि मुसलमान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो उसको कुरान जरूर पढ़ाया जाता है, कुरान जरूर पढ़ता है, प्रतिदिन नमाज वह जरूर पढ़ता है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं। पर साथ में बुराई क्या है, पाप क्या है कि मांस भक्षण करना पहला, और वो भी वैसे तो ये नहीं कहना चाहिए कि गाय को माता कहा जाता है तो उनका मांस नहीं खाना चाहिए, बाकियों की खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना पाप है, तो वहाँ जानवरों को काटना, मारना और फिर जबरदस्ती दूसरे का धर्म परिवर्तन कराना, कुरान के आयतों का अर्थ का अनर्थ करके युद्ध की स्थिति पैदा करना, दंगे भड़काना, ये सब उनमें बुराइयां हैं। जन्नत की गलत व्याख्या करना, जिहाद की गलत व्याख्या करना। इसी तरह से हिंदू मत में भी बलि प्रथा है। भले ही वे गाय की बलि नहीं देते होंगे पर दूसरे बहुत सारे जानवरों की बलि देते हैं, तो वह हिंदू मत की गलती है। बलि प्रथा, सती प्रथा, जन्मना जाति व्यवस्था की जो बात की जाती है, और उससे भी बड़ी बात बहुदेववाद की उपासना, पौराणिक देवी देवताओं की पूजा, तो ये सब उनकी त्रुटि है। यहाँ धर्म युद्ध का तात्पर्य ये है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, दोनों धर्म की वास्तविकता को समझे, वेशभूषा और भाषा से ऊपर उठकर सत्य को समझे, स्वीकार करे। ये वास्तव में धर्म युद्ध है। तो धर्मयुद्ध की बात पहले से लिखी हुई है जो कि सच होनी है। कहते हैं हकीकत ए समझियो आपन माया सो होए बेजार, सीता भी काम क्यों न होते है, सब मिल क्यों न होत तैयार। श्री जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी इस बात की वास्तविकता को आप समझ जाइए कि इस जागनी ब्रह्मांड में, जागनी की लीला में हम माया से बहुत परेशान होते हैं और हमारे मन में ये भी आता है कि सीता भी काम क्यों न होते है, ये जागनी का काम जल्दी जल्दी से क्यों नहीं होता है। आप में से किस किस के मन में ऐसा आता है कि जागनी जल्दी से होनी चाहिए, सुंदर साथ के मन में आता ही होगा। और दूसरा ये भी आता होगा कि सब मिल क्यों न होते तैयार, सारे सुंदर साथ जल्दी से जाग करके परम धाम चलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। इस तरह की बातें आती है। पर श्री जी कहते हैं कि पर भाई एह काम बहुत बड़ा तुम जान, ये जो काम की बात हम कर रहे हैं ये काम छोटा मोटा नहीं है कि चुटकी बजाया और हो गया, ये काम बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, धामधनी ने मूल स्वरूप श्री राज जी ने जो बात अपने दिल में ले रखी है और जिस दिन के लिए लिख रखा है वास्तव में वैसा ही होगा। आपने अपने तरफ से तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। अब श्री जी क्या कहते हैं कि सुंदर साथ जी ये काम बहुत बड़ा है, उस इतने बड़े काम को करने के लिए आपने सूर धीरपना अर्थात वीरता और धैर्य दिखाया। पर आप ये मत सोचना कि ये काम आपने किया है। देखिए सारी शोभा भी दे दी और सारी शोभा देने के बाद सुंदर साथ के मन में अहंकार की कोई भी ग्रंथि न पनपे, इसलिए ये भी कह दिया कि ये काम आपने किया है ऐसा मत समझना, आप तो केवल माध्यम है। ए शोभा हके दई तुमको ए होए न बिना हुक्म, ये सारी शोभा तो राज जी ने आपको दी है, राज जी के हुक्म के बिना नहीं हो सकता। यहाँ पर भी हम सब के लिए ये सिखापन है। जैसे जो सुंदर साथ तन की सेवा करते हैं, मैंने देखा है कई बार सुना है कि हम सुंदर साथ को सुना सुना करके कहते हैं कि देखो मैं इतना काम करता हूँ, कोई देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है। घरों में भी होता है, सामान्य परिवार में भी, और ये बात वैसे झगड़े का कारण बनता है। आपको पता है, चाहे परिवार में हो, छोटे संगठन में, चाहे कोई सामाजिक संगठन में हो, परिवार में भी सबसे बड़े झगड़े का कारण ही यही होता है। अन्यथा मान लीजिए कि 5 लोगों का परिवार है, एक व्यक्ति भी कमाने वाला हो तो मध्यम वर्गीय परिवार का भी गुजारा अच्छे से चल जाता है, पेट भर भोजन मिल ही जाता है। तो झगड़े का कारण क्या होता है वहाँ पर कि यदि मान लीजिए कि 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने शादी कर ली, शादी के बाद 2 बहुएं हो गई। अब मान लीजिए कि एक दिन एक बहू ने खाना बनाया तो दूसरे दिन वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कल तो मैंने बनाया था, आज ये बनाए, जबकि उस समय ये नहीं सोचा जाएगा कि मैंने कल खाया था आज मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये बात एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। मेरी इस 1 मिनट की क्लिप को ले जा करके किसी को दिखा करके इमोशनल टॉर्चर भी मत करना, जो कर रहा है उसी से करवाता रहे। पर होता यही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विवाद खड़ा करते हैं कि देखो मैंने इतना किया, ये कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। अच्छा, जो कमाने बाहर जाता होगा उसको लगता है कि सारा काम मैं ही करता हूँ, ये घर पे बैठी रहती है, और जो घर पे रह करके सारा काम कर रहे हैं तो फिर उसको लगता होगा कि मैंने घर का सारा काम किया, इनको तो दिन भर ऑफिस में कुर्सी गर्म करनी है ना। तो इस तरह की जब भावना आती है तो परिवार टूटता है। यहाँ संगठन की बात श्री जी समझा रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसमें जागनी लीला में आने वाली हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। अब संगठन में क्या समस्या होती है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसने सेवा करी 1-2 दिन, उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार आने लगता है कि देखो मैं इतना करता हूँ या मैं इतना करती हूँ, मुझे कोई नहीं देखता है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है। तो शारीरिक श्रम में भी बात वही है, शारीरिक सेवा आपसे ली जा रही है तो ये भी राज्य के हुक्म से ही ली जा रही है। राज्य ने इस तन को माध्यम बनाया है, हमें तो खुश होना चाहिए कि हम सेवा में माध्यम बन पा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं ज्ञान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचने लग जाऊँ कि देखो मैं ही कर रहा हूँ, देखो मेरी चर्चा लोग सुन रहे हैं, तो ये अहंकार हुआ, ये घमंड हुआ। राज्य ने मेरे इस तन को यदि माध्यम बनाया है तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। वरना दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या है और हमारे साथ उल्टा होता है, जब हमसे कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उसकी सारी क्रेडिट हम लेते हैं, और जब कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो सारा दोष किसको देते हैं? राज्य को। एक बार क्या हुआ, ये एक सत्य घटना है, एक ओलंपियन हुआ जिन्होंने स्विमिंग के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और बाद में उनको एक ऐसी घातक बीमारी हुई जिसको एड्स कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ? तो उसका जो जवाब मैंने सुना पहली बार, मैं दंग रह गया कि हम तो आध्यात्मिक जीवन जीने की केवल एक तरह से समझ लीजिए कि उसका नाटक ही करते हैं, पर हमारे जीवन में वो रहनी नहीं आ पाती है। वो खिलाड़ी है, उसके पास मुझे नहीं लगता कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा, पर उसको इतनी बात समझ में आई। उसने क्या कहा कि दुनिया में ये, क्योंकि कुछ समय की पुरानी बात है, अभी 8 अरब की जनसंख्या तो अभी कुछ समय पहले पहुंची ना, उसने कहा कि दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, 206 के आसपास देश हैं। इस 7 अरब की जनसंख्या में कम से कम 70 लाख तो ऐसे लोग होंगे या 7 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत तैरना आता है, स्विमिंग करना। उसमें से 70 लाख लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग करना चाहते होंगे या करने जाते होंगे। उसमें से हो सकता है कि 70,000 के आसपास लोग प्रोफेशनल स्विमर बन पाए पूरे दुनिया में से। उसमें से भी मेरे ख्याल से 700 लोग भी इंटरनेशनल खेलने के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और यदि ओलंपिक होगा तो मेरे ख्याल से 70 से 100-150 के आसपास लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और इतने में से एक व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलता है, और वो गोल्ड मेडल मुझे मिला। 7 करोड़ लोगों में से एक गोल्ड मेडल जीत पाना ये बहुत सौभाग्य की बात है जो मुझे मिला। जब मुझे वो गोल्ड मेडल मिल रहा था तब मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि ये परमात्मा तूने मुझे ही क्यों दिया, और जब मेरे साथ ये बुरा हो रहा है तब मैं इसका दोष उसको कैसे दे सकता हूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। सेवा के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही बात है। श्री जी कहते हैं कि ए हके शोभा दई तुमको ए होए ना बिना हुक्म। ये शोभा राज्य ने हमें दी है, आपको दी है। कोई धन की सेवा करे तो ये ना समझे कि हमने इतनी बड़ी सेवा दी है, हम नहीं होते तो क्या होता। कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी किला बनवा रहे थे महाराष्ट्र में। जब वो किला बनवा रहे थे, क्योंकि ये किला बनवाना है तो बहुत सारे मजदूरों को काम पे रखना पड़ता है, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं। लोगों ने इस कहना शुरू कर दिया कि देखो शिवाजी महाराज के कारण इतने सारे लोगों का परिवार चल रहा है, वरना क्या होता। बार बार सुनते सुनते शिवाजी महाराज के अंदर भी ये बात घुस गई कि देखो मेरी वजह से इतने सारे लोगों की आजीविका चल रही है। अब समर्थ गुरु रामदास जो कि शिवाजी के गुरु थे, उनको ये बात पता चल गई कि शिवाजी के मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा है। उन्होंने अब ऐसी लीला रची कि शिवाजी के सामने ही एक चट्टान को तोड़ने की बात की। एक बहुत बड़ा पत्थर था, शिवाजी से कहलवाया कि इस पत्थर को तोड़ा जाए। उस पत्थर को तोड़ा तो उस पत्थर में बीच में से अंदर एक कोटर जैसा था, उसमें मेढक और उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वहां थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा, समर्थ गुरु रामदास जी ने, कि शिवा अरे वाह, तू तो कितना बड़ा हो गया है, देखो तुमने तो यहाँ पत्थर के बीच में भी मेढकों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है। अब शिवाजी समझदार थे, वो समझ गए कि मेरे अंदर जो अहंकार आया था गुरुजी इसको तोड़ना चाहते हैं। नहीं तो सोचे कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नहीं होता तो इनका क्या होता, मेरी जनता का क्या होता। जो परमात्मा पत्थर के बीच में, पत्थर के अंदर मेढकों के लिए व्यवस्था कर सकता है, वो दूसरों के लिए क्यों नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए शरीर की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे कोई ज्ञान की बौद्धिक सेवा हो, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं हो तो क्या होता। ये अहंकार है। एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुई, जो पुराने लोग होंगे कम से कम, जिनकी उम्र 30-35 साल 40 साल की होगी वो जानते होंगे, वो कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद देश का क्या होगा, देश अनाथ हो जाएगा। उनके जाने के बाद भी कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री हो गए होंगे, अभी भी देश चल रहा है और इनफैक्ट उससे अच्छा चल रहा है। तो किसी के बिना काम नहीं चलता है। उस परमात्मा ने अणु परमाणु में गति निश्चित कर रखी है, आप इसको धक्का लगाने नहीं जाते। वाणी कहती है, मेरी मेरी करते दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न देवे। तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार की सेवा का अहम नहीं लेना चाहिए। ये बात श्री जी यहाँ पर समझा रहे हैं। अब आगे किस तरह से श्री जी ने जागनी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को और उनके समाधान को बताया है, इसका प्रसंग हम सुनेंगे कल। अभी के लिए समय पूरा होता है। चौपाई दोहराइए। तुम सूर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ए हके शोभा दई तुमको, ए होए न बिना हुकम, ए होए न बिना हुकम। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।